الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها सब बहनों को असलकुम वरम ये सूरत, सूरत की आयत नंबर ग्यारह से लेके पंद्रह तक मैंने तिलावत की है इंशाअल्लाह हम लफजी तर्जुमा पढ़ेंगे और बा मुहावरा तर्जुमा भी पढ़ेंगे और थोड़ी सी मुख्तसर सी तफसीर भी देखेंगे अल्लाह ताला से मदद हासिल कर लेते हैं अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं और या अल्लाह तो हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा हमारे लिए आसानियाँ कर दे हमारे लिए हमारे वक्तों में हमारी सलाहियतों में बरकत अता फरमा और हमारे जहनों को खोल दे और रब्बुल आलमीन या आलमीन तो हमें मुनाफा बख्श फरमा तेरे क़लाम का ये इल्म तेरे कलाम को समझने की और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा और आगे फैलाने की तौफीक अता फ़रमा और हमें मुस्तकीम का रास्ता बता दे या अल्लाह ताला और हमें चला दे उस पर आमीन या रब्लॉलमीन देखते हैं हम ये सूरतशम्स की आयत नंबर ग्यारह को के हम पहले जो पढ़ चुके हैं पिछली दफ़ा उसमें है कि अल्लाह ताला ने कई किस्म की कस्में खाई है सूरज की चाँद की और दिन की रात की और आसमान की और अपने आप की भी अपने जात की भी अल्लाह ताला ने कसम खाई है और ज़मीन की और नफ्स इंसानी की कसम खाइए और फिर कसम खाने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने जो है वो इंसान के नफ्स को जो है उसके गुनाहों को उन उसके फजूर को भी इल्हाम कर दिया है और उसके तकबे को भी इल्हाम कर दिया है यानी उस बुराई और अच्छाई का जो है ना वो उसको तमीज़ जो है ना उसके अंदर वो बदियत कर दी है नफ्सों में तो जो इंसान अपने नफसों को पाक करता है वो कामयाब होता है जो तस्किया करता है अपने नफसों की वो कामयाब होता है और जो उसको दबाता रहता है तो वो जो है ना वो नाकाम हो जाता है तो ये सारी बातें बताई थी आगे जो है अल्लाह ताला ने तौम समूद का किस्सा बयान किया है कौम समूद जो है वो कौम आद के बाद आई थी और वो भी जो है ना बड़ी बड़ी इमारतें पत्थरों को तराश करके बनाते थे वो लोग और बड़े मजबूत कदावर थे और बहुत मजबूत कौम थी तो उनके पास साल को जो है अल्लाह भेजा था और उन्होंने तोहहीद की दावत दी थी तो वो अपने तकबर में और अपनी आ, अपने आप के अंदर जो है ना वो इतने मगन थे कि वो उन्होंने जो है दावत को कबूल नहीं किया और मुजजा मांगा कि जो अगर तू अल्लाह का रसूल है तो हमारे लिए कोई मुजजा लेकर आ निशानी लेकर आ तो अल्लाह ताला ने जो है वो एक कूटनी भेजी थी पहाड़ के अंदर से वो निकल आई थी और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि वो ऊँटनी जो है ना वो फरमाइश की थी कि दस दस महीने की हामला हो और सुर्ख रंग की हो वगैरह वगैरह तो वो वैसी ही जैसी वो मुतालबा करते थे वैसी ऊँटनी पहाड़ चीर कर आई थी और फिर अल्लाह ताला ने कहा था कि इसकी तुमने जो है ना हाँ वो हिफाजत करनी है ये तुम्हारे कुएं से पानी पिएगी एक रोज़ और दूसरे एक रोज़ भी तुम्हारी बारी होगी तो वो पानी सारा जब कुएं में पानी पीती थी, थी तो बहुत सारा पानी पी जाती थी और इन लोगों को वो फिर थोड़े दिन तो इन लोगों ने बर्दाश्त किया कि इनको एक एक दिन छोड़कर एक दिन पानी मिलता था और पानी की तंगी वगैरह महसूस होने लगी और जहाँ चाहे मर्जी जिसके भी खेत में जाके वो चरती थी और घूमती थी तो इनको उन्होंने थोड़े दिन बर्दाश्त किया बाद में इन्होंने खुद जो है ना वो प्लान प्लान बनाए और शरीर लोगों को इकट्ठा किया और जो है ना कोई एक ज्यादा बहुत मजबूत जो कदावर था एक शख्स वो उसको नहा तो उन्होंने ये ड्यूटी दी और उसने उसके पैर पे जो है ना तीर चलाए कूचे काट दी है ना पैरों को पिंडली के ऊपर से कहीं पर से जो है ना वो काट काट करना उसको हिला कर दिया फिर अल्लाह ताला का अजाब उन पर आया तो ये मुख्तसर सा किस्सा था अगर ज्यादा तवील चाहिए तो कससुलंबिया से आप देख सकते हैं चले पढ़ते हैं इसका तर्जुमा आयत नंबर ग्यारह सेवा झुटलाया समूद कौम सम ने क़ज़बत समूद बीता गवाहा अपनी सरकशी की वजह से तो से है सेह हम पढ़ चुके हैं ना तो बीता गवाहा <coughs> कजबत झुटलाया समूद कौम समूद ने भी तगवाह अपनी सरकशी की वजह से अपनी तुगयानी की वजह से झुटला दिया बा मुहावरा इसका तर्जुमा कौम समूद ने अपनी सरकशी की वजह से नबी को झुटलाया फिर आगे है इदिम बाअता अशकाह इद जब इम बता खड़ा हुआ से है मबूस होना खड़ा होना तो ईद इम जब ईद जब इम खड़ा हुआ अश बड़ा बदबخت अश उस कौम का हा कौम के लिए है अश बड़ा बदबخت उस कौम का फल पस फिर कहा लहुम उनको रसूल अल्लाह के रसूल ने यानी साल ने रसूल रसुल अल्लाह के रसूल ने के ना, ना तुम ये ब्रैकेट में तुम हिफाजत करो ना क्वा कहते ऊटनी को अल्लाह अल्लाह की अल्लाह की ऊंटनी है ये मतलब ना क्वात अला अल्लाह की ऊटनी है तो इसमें ये बात छुपी हुई है कि तुम हिफाजत करो वह सुखयाहा उसको पानी पिलाने की व और सुख उसको पानी पिलाने की यानी तुम हिफाजत करो अल्लाह की उठने की और उसको पानी पिलाने की कौम समूद ने अपनी सरकशी की वजह से नबी को झुटलाया जब उठ खड़ा हुआ इदिम बाश्हा जब उठ खड़ा हुआ उस कौम का बड़ा बदबخت अशकाहा बड़ा बदबخت तो उन्हें रसूल अल्लाह ने कहा अल्लाह की ऊंटने की हिफाजत करो और उसको पी, पानी पिलाने की फ़क रसूल फ़कत जबू चुनांचा उन्होंने झुटलाया उसको फिर कद उन्होंने झुटलाया हु उसको किसको रसूल अल्लाह को वसल्लम को झुटला दिया और फ फिर उन्होंने उस ऊटनी को मार डाला फ अकरूहा काट दिया कुछ काट दी इसका मतलब आता है यानी कि मार दिया फ फिर उन्होंने उस ऊटनी को मार दिया फिर उन्होंने उसको झुटलाया और ऊटनी की कुचे काट दी कूचे काट दी यानी पैरों के ऊपर कहीं पर ना पिंडली के ऊपर से उन उसके पैरों को काट दिया और जो बड़ा बख्त बद, बदबख्त था उसने उसकी गर्दन पे जो है नजा मारा था तो वो मर गई थी फदम दमा तो तबाही डाल दी फदम दमा तो तबाही डाल दी अल उन पर और रब उनके रब ने बी दम बेहिम बेवजह उनके गुनाह के दम बेहिम बेवजह बिदम बेहिम इस वजह से कि उनके गुनाह उनके गुनाह की वजह से फसवाहा फिर बराबर मलियामेट कर दिया उनको सववाहा बराबर कर दिया यानी मलियामेट कर दिया फसवाहा फिर उन्होंने उसको झुटलाया और ऊंटनी की कूचे काट दी तो उनके रब ने उनके गुनाह की वजह से उन पर तबाही डालकर सबका सफाया कर दिया वला या खाफ और नहीं वो डरता इस तबाही के अंजाम से वला और नहीं ला नहीं यू वो डरता उकबाहा इस तबाही के अंजाम से और वो इस तबाही के अंजाम से नहीं डरता अल्लाह ताला नहीं डरता अल्लाह ताला के कब्जे कुदरत में सब कुछ है उसको किस बात की डर है कि उसने इस तरह से उनको सफ़ाया कर दिया तो उसको को कौन पकड़ने वाला है ये उनके गुनाहों की वजह से ही अल्लाह अल्ला ताला ने किया था तो वला वाफब एक दफ़ा बा मुहा पढ़ लेते हैं शुरू से पढ़ते हैं सूरज और उसके धूप चढ़ने की कसम और चाँद की जब वो उसके पीछे आता है और दिन की जब वो सूरज का जलवा दिखाता है और रात की जब वो उसे ढांप लेती है और आसमान की और उस की जिसने उसे बनाया और जमीन की और उस की जिसने उसे बिछाया और इंसानी नफ्स की और उस जात की जिसने उसे ठीक बनाया फिर उसकी बदी और उसका तकवा उस पर एलहम किया यकीनन फलाह पा गया जिसने नफ्स का तस्किया किया और यकीनन नाम मुराद हुआ जिसने उसे आलूदा किया यानी खा आलूद कर दिया कौम समूद ने अपनी सरकशी की वजह से नबी को झुठलाया जब उठ खड़ा हुआ उस कौम का बड़ा बदबक तो उन्हें रसुल्ला ने कहा अल्लाह की ऊँटनी की हिफाजत करो और उसको पानी पिलाने की फिर उन्होंने उसको झुटलाया और ऊंटने की कोचे काट दी तो उनके रब ने उनके गुनाह की वजह से उन पर तबाही डालकर उसका सफ़ाया कर दिया उनका सफ़ाया कर दिया और वो इस तबाही के अंजाम से नहीं डरता अब थोड़ी जो है मुख्तसर तफसीर देख लेते जिन लोगों ने अपने नफ्स को गुमराह किया अल्लाह ताला ने उनका एक वाक्य बतौर मिसाल पेश करके उनके बुरे अंजाम से डराया है कि इन नामुरादों को आखिरत में तो सख्त सजा मिलेगी ही लेकिन बाज दुनिया में भी इस सजा का कुछ हिस्सा मिल जाता है जैसे कौमे समूद के साथ हुआ उन्होंने अपने रसूल अलैहि वसल्लम को झुटलाया और उस झुटलाने की वजह उनकी यह सरकशी थी कि वो उस बुराई और गुमराही को छोड़ने के लिए तैयार ना थे जिसमें वो मुबला थे और इस तकवे को और उस तकवे को कबूल करना उन्हें गवारा ना था जिसकी तरफ साल उन्हें दावत दे रहे थे उन्होंने साल को चैलेंज दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो इस पर ने अल्लाह ताला के हुक्म से एक ऊँटनी को मुज्जे के तौर पर हाजिर कर दिया और उनसे कहा कि यह अल्लाह की है ये जमीन में जहां चाहेगी चढ़ती फिरेगी एक दिन सारा पानी उसके लिए मखसूस होगा और दूसरा दिन तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के लिए रहेगा अगर तुमने इसे बुरी नीयत से हाथ लगाया तो याद रखो कि तुम पर सख्त अजाब नाजिल हो जाएगा कुछ देर तक उन्होंने इस पर अमल किया फिर उन्होंने अपने सबसे ज्यादा शरीर और सरकिश सरदार खदार बिन सालिफ उस सरदार का नाम था किदार बिन सालिफ से कहा कि वो इस ऊँटनी का किस्सा तमाम कर दे चुनाचे वो इसका काम वो इस काम का जिम्मा लेकर उठ खड़ा हुआ और ऊँटनी की कूचे काट डाली अल्लाह ताला ने उनके इस गुनाह की वजह से उन पर तबाही डाल दी और ऐसा सख्त अजाब भेजा जिसने पूरी कौम को घेर लिया बुराई को ना रोकने वाला बुराई में शामिल होता है ऊँटने की अगर अगरचे एक शख्स ने काटी थी लेकिन चूंकि उस शरारत में कौम भी उसके साथ शरीक थी इसलिए उसमें सब को बराबर का मुजरिम करार दिया गया और झुटलाने और ऊँटने की कोचे काटने की नस्बत पूरी कौम की तरफ की गई है इससे मालूम हुआ कि बुराई का इरतकब करने वाले अगर चंद अफरा हो लेकिन पूरी कौम इस बुराई को रोकने की बजाय उसे पसंद करती हो तो अल्लाह ताला के यहाँ पूरी कौम इस बुराई की मरतकब करार पाएगी और इस जुर्म या बुराई में बराबर की शरीक समझी जाएगी और अल्लाह ताला पूरी कौम को तबाही से दो चार करेगा क्योंकि अल्लाह ताला को ये डर नहीं है कि उसने उन्हें सजा दी है तो कोई बड़ी ताकत उसका इससे बदला लेगी अल्लाह ताला अंजाम से बेखौफ है कोई ऐसी ताकत नहीं है जो अल्लाह ताला से बढ़कर या उसके बराबरी हो जो इससे इंतकाम लेने की कुदरत रखती हो अब ये जो है पूरी सूरत का जो लुबे लुबाब है यानी क्या है इसकी इसकी कुछ हमतें हैं और कुछ तकाज़े हैं अल्लाह ताला ने ग्यारह चीजों की कसम खा कर ये हकीकत बयान की है कि कामयाब वो इंसान है जिसने अपने नफ्स का तस्किया किया और उसे पाक किया और वो शख्स नामुराद है जिसने नफ़्स को गुमराह किया इससे बुराई उससे उससे इंसानी नफ्स की अजमत भी वाजे होती है कोई इंसान ये उजर पेश नहीं कर सकता कि उसे नेकी या बदी का इल्म ही नहीं था ये इल्म तो अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत में रख दिया है जिससे वो नेकी और बदी में फर्क कर सकता है कुरान मजीद ने इंसान के सामने गौरव फिक्र के लिए वो चीजें रखी है जो रोज़ाना उसके मुशाहे में आती है उसे बार बार दावत दी है कि ठंडे दिल दिलो दिमाग से सोच विचार करता रहे और अपने रब की निशानियों को पहचान कर उस पर ईमान लाए जो लोग अपने नफ्स को दबा देते हैं सरकशी और हट -धर्मी से काम लेते हैं उनके लिए बतौर इबरत कौम समूद का किस्सा जिक्र किया गया है कि उनकी सरकशी की वजह से अल्लाह अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हुआ और वो सफ अस्थी से मिटा दिए गए बुराई को देखकर उसे ना रोकना बुराई में शामिल होने के मुतरद है यानी कि बराबर है और अजाब में दोनों बराबर के शरीक होंगे ये थी मुख्तसर शम्स की अल्लाह ताला इस कोशिश को कबूल कर दे हमारे वक्तों में हमारी सलाहियतों में बरकत तामा दे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें आमीन या रब्बल आलमीन وما علينا إلا البلاغ المبين وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك